नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। किंग्स इलेवन पंजाब की टीम में अब तक क्रिस गेल नदारद दिखे हैं। क्रिस गेल को मौका नहीं मिला है और उनकी जगह निकोलस पूरन खेलते हुए दिखाई दिए हैं। क्रिस गेल को लगातार किंग्स इलेवन पंजाब की टीम इग्नोर कर रही है और सलामी बल्लेबाज के तौर पर मयंक अग्रवाल उनकी जगह उतर रहे हैं। हालांकि मयंक अग्रवाल ने क्रिस गेल की जगह को अच्छी तरीके से भुनाया है। गेल की वापसी को लेकर हर कोई बेताब है। उम्मीद जताई जा रही है कि आरसीबी के खिलाफ यूनिवर्स बॉस वापसी करते हुए दिखाई देंगे और इस बात की पुष्टि भी खुद क्रिस गेल ने कर दी है, यानी कि आरसीबी की टीम को संभल जाने की ज़रूरत है। यूनिवर्स बॉस की वापसी हो रही है और हर हाल में गेल अपने पहले मैच में ही तूफानी बल्लेबाजी कर अपनी टीम को जीत दिलाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, क्रिस गेल से ऐसी उम्मीदें भी हैं। पिछले दो सीजन में पंजाब के लिए उन्होंने लगभग 1000 रन के करीब बनाए हैं और अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। क्रिस गेल की मौजूदगी से टीम को फ़ायदा मिलता है, पर बीते 7 मुकाबलों में गेल नहीं दिखे हैं। ख़राब तबीयत की वजह से ऐसा नहीं हो पाया था। अब पंजाब फ्रेंचाइजी ने ट्वीट करके लिखा है, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई, यूनिवर्स बॉस ने वापसी कर ली है। हमें पता है कि आप गेल के खेलने का इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार ये ख़त्म हो चुका है। उनके साथ कुछ नाटकीय घटना घटी थी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा। वहीं आरसीबी के खिलाफ होने वाले मैच से पहले क्रिस गेल ने कहा कि अभी भी ये संभव है। मुझे पता है कि अंक तालिका में हम सबसे नीचे हैं, अभी 7 मुकाबले बचे हैं, लेकिन हम सारे मैच जीत सकते हैं और ये संभव भी है। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और हम ऐसा कर सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि क्रिस गेल टीम में ख़राब फॉर्म में चल रहे तूफानी ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल को रिप्लेस कर सकते हैं। आपको बता दें, मैक्सवेल ने अब तक 7 मुकाबलों में सिर्फ 58 रन ही बनाए हैं। वहीं पीटीआई के एक सूत्र ने कहा कि क्रिस गेल पूरी तरह से ठीक हैं और वो आरसीबी के खिलाफ अगले मैच में नज़र आ सकते हैं। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल पिछले 8 सीजन से आईपीएल में खेल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किया है वैसा इस बार इस सीजन उनके बल्ले से नहीं दिखा है। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने आईपीएल 2020 में मात्र 58 रन ही बनाए हैं, लेकिन उनको 10 करोड़ रुपये भी नीलामी में मिला था। लिहाजा ग्लेन मैक्सवेल से उम्मीदें काफ़ी लगाई थी पंजाब की फ्रेंचाइजी ने, पर वैसा प्रदर्शन अब तक ऑस्ट्रेलिया के इस तूफानी बल्लेबाज की तरफ से नहीं देखने को मिले हैं। ऐसे में अब क्रिस गेल उनकी जगह लेंगे तो लिहाजा यूनिवर्स बॉस से विस्फोटक इनिंग्स की ज़रूरत होगी। साथ ही खुद गेल ने भी बोला है कि वो टीम को 7 मुकाबले जिताने की कोशिश करेंगे। खैर, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल जाएगा कि क्रिस गेल पंजाब की टीम को 7 मैच जिताने में कामयाब बना पाते हैं या नहीं। बहरहाल, किंग्स इलेवन पंजाब की टीम इस समय अंक तालिका में सबसे निचले स्थान पर काबिज है। 7 मैचों में टीम ने सिर्फ 1 में जीत हासिल की है, जबकि 6 मुकाबलों में राहुल की अगुवाई वाली पंजाब की टीम को हार का मुंह देखना पड़ा है। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।